तो दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ पनीर शॉर्मा और पनीर रोल। करोलबाग में शॉर्मा की शॉप है वहाँ से, तो एंड तक बने रहना, मैं पूरा आपको चेकआउट कराऊँगा इनका जैसे बनाया भी है। ये मिंट चटनी मिली है, ये मेयोनीज है और इसके अंदर हमारा पनीर शॉर्मा है। इसको खोल के देखते हैं, ऐसी सी लुक आ रही है कुछ, ये देखो। एंड में मतलब इसको बाद में, पहले रोल भी खोल लेता हूँ एक बार। प्राइसिंग वगैरह सब कुछ एंड में बताएंगे आपको। ये देखिए, ये पनीर रोल है और ये हमारा शॉर्मा है, देख रहे हैं? हाँ देख रहे। अब सबसे पहले ये शॉर्मा को ट्राई करूँगा मैं, मैंने कभी करा नहीं है। आप बताओ नीचे कमेंट करके, आपने खाया है क्या पनीर शॉर्मा कभी? तो इसके चटनी डाल लेता हूँ ना थोड़ी पहले। पनीर है या प्याज है? तो दोस्तों ये पहले आप एक बार मेकिंग देख लो शॉर्मा की। धनिया, टमाटर, सारे मेयोनीज भी मिली है पर मैं हरी चटनी के साथ ही खाऊंगा इसको। एक बार डालते हैं थोड़ा इसमें, अब एक बाइट लेता हूँ। फ्रेगनेंस तो पूरी नॉन वेज वाली आ रही है मेरे को, इसकी लेना है इसकी। अब डर लग रहा है बाइट लेते हुए भी मेरे को, तो मतलब फर्स्ट टाइम ट्राई आउट करा है मैंने अभी, मतलब इसका टेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, मेरे को इतना पसंद आया नहीं है। अब मैं रोल को लूँगा, रोल तो मुझे पसंद है। इसकी बाइट लेते हैं फिर एंड में पूरा बताऊँगा क्या मतलब रेटिंग मैं देता हूँ। इसकी बाइट लेते हैं, तो दोस्तों मैं प्राइसिंग बताता हूँ पहले। ये रोल आया है हमारा 100 रुपीज़ का और ये शॉर्मा 80 रुपीज़ का। तो शॉर्मा में मतलब पनीर भुर्जी टाइप है अंदर और कुछ मसाले नहीं है ज़्यादा इसमें, और ये रोटी भी दूसरी है जो शॉर्मा की होती है नॉर्मल। तो मुझे तो रोल ही पसंद आया है। रोल को मैं दूँगा 10 में से 8 नंबर और इसको दूँगा 6 नंबर। मतलब सही है, मतलब टेस्ट मेरा भी इसके साथ डेवलप नहीं हो रखा और ऑयली बहुत लग रही है अंदर जो पनीर की सब्ज़ी है, तो मुझे तो रोल ही पसंद लगा। आप बताओ आपको क्या चीज़ पसंद है अगर आपने ट्राई आउट करा है ये शॉर्मा पनीर वाला कभी, तो और नीचे कमेंट करके बताओ मैं नेक्स्ट वीडियो काहे की बनाऊँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।